जेजेपी के देंगे जी। भूपेंद्र मलिक ने हम सत्ता में लेना चाहा, क्यों? भूपेंद्र मलिक बहुत बड़ी आदमी है, गांव में हर जगह आव है, हर इंसान ने बोल रहे है, बतलाव है, सबकी दुख सुख की पूछ है। पार्टी जो कोई भी हो उसको टिकट जैसे मिले उसी के साथ। नमस्कार, सत्य खबर में आपका स्वागत है। मैं अजय, कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ। बड़ौदा उपचुनाव में लोगों की नब्ज टटोलने आज हम आ पहुंचे हैं बड़ौदा मोर नया गांव में। कहते हैं कि जहां पांच लोग इकट्ठे बैठ जाएं वहां पंच परमेश्वर विराज होते हैं या भगवान विराजमान होते हैं। चलिए यहीं से लोगों की राय जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है जी? सुनील कुमार जी। इसकी बार उपचुनाव में के मूड बना रहे हो जी? मूड गेदा मेरा रही भूपेंद्र मलिक बड़ी आदमी, बताओ इससे वोट देने की सोच रहे हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी थे? जेजेपी थे। अच्छा जी, कोई और नहीं टक्कर में भाई? और रही जाए, हमने क्या करना भाई, हमने तो स्किल देनी है। अच्छा, ऐसा क्या खास लग गया जिसमें भाई? काम करता बताई मनसा है और तो के बताएगी। अच्छा जी, कोई समस्या गांव की क्या खास समस्या है जी? भाई समस्या तो हमारी जब आओगे जब बात कर रहे हैं पानी पुणी क्योंकि खड़े पड़े सारा गए। ये तो आपने के लागा है जी? राम राम जी। राम राम जी। के नाम है जी अपना? सतपाल जी। तो आप के मूड बना रहे हो सतपाल जी? जेजेपी का भाई। जेजेपी ने किसना देखना चाहो? भूपेंद्र मलिक ने। भूपेंद्र जी, अगर बाय चांस की टिकट किसी और का खाता में जाओ या सीट किसी और का खाता में जाओ तब फिर विचार करेंगे भाई। फिर विचार करोगे। भूपेंद्र में ऐसा खास के लागा है? वो भाई मिलनसार आदमी है, हर आदमी से मिलता है, इसीलिए बढ़िया आदमी है। गांव में कुछ काम कुम भी करवा रखे हैं मान लो? गांव में क्योंकि मैं सत्ता में आऊंगा जब बकरा होगा छोटे मोटे काम करवाए रहे हैं, जो काम हो है सामूहिक काम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपने के लागा है जी? जेजेपी के देंगे जी। जेजेपी? हाँ जी। ऐसा क्या खास है जेजेपी में? सब तो मिलनसार आदमी है। अच्छा, तो मतलब राज में राज मिलाना चाहो हो? उम्मीदवार किसने देखना चाहो हो जी? भूपेंद्र मलिक ने। भूपेंद्र मलिक। हाँ जी। जिसे की कुछ खास करवा रखा उसकी काम जी? काम तो इतने सप्ताह में तो आई नहीं लिया है, वैसे गांव में पूरा हल्के में घूम के जा हो, दुख सुख में साथी है। आपने पता होगा जी सत्ता में गठबंधन की सरकार है, अगर उम्मीदवार बीजेपी की ओरता आवा है या सीट बीजेपी की उसने मिला तब ऐसे मर्जी है। अच्छा जी। फिर वो हमारी मर्जी है, फिर तारी मर्जी जी। हाँ जी। राम राम जी। राम जी। के नाम है जी अपना? केश कुमार जी। केश कुमार जी, के मूड बना रहे हो जी आप? भाई जेजेपी की वोट दे होंगे और भूपेंद्र मलिक ने हम सत्ता में लेना चाहा है और अच्छा आदमी है, एक बढ़िया उम्मीदवार है और आने वाले टाइम में सत्ता में आओगा और काम करके भी दिखाओगा। इब ऊपर गठबंधन की सरकार है जी, अगर और आप तो भी पता होगा कि रेस में कई घोड़े हैं, जेजेपी में भी कई घोड़े हैं, अगर मान लियो भूपेंद्र मलिक ने छोड़ के कोई किसी और ने किसी बांगड़ ने बनाया तब ऐसे में भाई जब आओगा तो जब जिसको टिकट मिलेगी अच्छा आदमी होगा तो फिर सोच के विचार के वोट डालेंगे। अच्छा जी। तो पार्टी बड़ी है या भूपेंद्र जी? नहीं, भूपेंद्र है वो, पार्टी तो कोसी में भी जा सकता है लेकिन काम करने वाला आदमी होना चाहिए। अच्छा जी। राम राम जी। राम राम भाई। के नाम है जी? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, केल मूड है जी आपका और गांव का? हमारे गांव का मूड जो है भूपेंद्र मलिक को वोट मिलेगी सब, क्यों? भूपेंद्र मलिक बहुत बड़ी आदमी है, गांव में हर जगह आव है, हर इंसान ने बोल रहे है, बतलाव है, सबकी दुख सुख की पूछ है, ठीक है, और छोटे मोटे काम भी कराता रहे है, मगर अब सत्ता में आऊगा तब की तब देखेंगे तभी। तो मतलब आप अपनी पूरा गांव ही सपोर्ट में है, पूरा भूपेंद्र के में? हाँ, पूरा गांव सपोर्ट में। गांव की मुख्य के समस्या है? मुख्य तो चल का देख लो जोड़ वह गोरा मारा, दोनों गोरे दोनों मतलब बिल्कुल खराब हो पड़े हैं, सबसे ज्यादा समस्या ये आ रही है कि गोरा में निकलने का रास्ता नहीं और पानी इतना भरा है बहुत ज्यादा, आगे खाली होना नाम नहीं है, मैं देखो माटी ट्यूबवेल लगा ले तो भी नहीं खाली होगा, ये इतना भरा हुआ खड्डों में मतलब बुरा हाल हो रहा है। चुनाव की दृष्टि में अगर मैं हूँ पूछूँ, आप भी विचार लांदे हो गए, भूपेंद्र मलिक की टक्कर में कौन है इस टाइम? टक्कर में तो देखा है जब आओगे, जबकि जब देखेंगे तो फिर बाकी तो बाकी यहाँ अपने विरोधी हल्के में रेस में तो यही है, यही है फिलहाल। हाँ। और राम राम जी। राम राम जी। के लागा है जी? हम तो भूपेंद्र मोर के समर्थक हैं, मान लिये उसकी खुद समाज सेवी आदमी है, मान लिये जिसे मजबूरी हो जिसके पास है, मान लिये दुर्घटना हो जो उसके पास जाते हैं, खुशी में भी गम में भी मिलनसार है। हाँ, मिलनसार आदमी है जी, उस समस्या का समाधान करे ना, ये भी सत्ता में आएंगे तब करेंगे ना, वो सत्ता में तो आए नहीं है, आदमी बहुत बढ़िया है, उसी पार्टी से
पार्टी से कोई भी हो उसको टिकट जहाँ से मिले उसी के साथ है। उसी के साथ हाँ जी, पार्टी से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं जी। अच्छा जी, ये समाज सेवी आदमी है, इसकी खुद भी वोट है, पार्टी की जेजेपी की इतनी वोट नहीं जितनी इसकी वोट खुद की है, भी इसकी 20-25 हज़ार वोट तो इसके खुद की है। हाँ, पार्टी की जरूरत नहीं है इसको, जो उसी पार्टी से टिकट दे मिलेगी उससे इसके समर्थक आज हम भूपेंद्र मौर्य जी। तो यो राम राम जी। राम राम, क्या नाम है जी? दे। अच्छा जी, तो चुनाव में के मूड है जी की बार? भूपेंद्र का है। भूपेंद्र का के खास लागे जी सा? मर्द बढ़िया काम कर रहा है, भी आगे कर देगा जब और बढ़िया, हरी भी कर देगा काम दे, हमारे लिए तो ठीक से वो, हमने तो उससे ही देवा है। कौन सी पार्टी उसकी देखना चाहो? पार्टी पुट्टे नहीं, मेरा हमने तो आप बड़ा पिट दिया था। आपने तो नेता का मतलब है, पार्टी का कोई मतलब नहीं? हाँ, नेता का मतलब है, भूपेंद्र ही आना चाहिए मतलब है। चलो, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अपनी राय हुआ है। तो ये थे बरोदा मोर नया गांव के निवासी, और इनकी अपनी राय है, और ये देखना चाहूँ कि भूपेंद्र मलिक यहाँ से बनकर जावे। तो सत्य खबर में अभी इतना ही, कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ मैं अजय। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।